बागेश्वर। बागेश्वर उत्तराखंड राज्य में सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित एक तीर्थ है। बागेश्वर अपने प्राकृतिक वातावरण, ग्लेशियर, नदियों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। यह बागेश्वर जनपद का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। यहाँ बागेश्वर नाथ का प्राचीन मंदिर है, जिसे स्थानीय जनता बागनाथ या बाघनाथ के नाम से जानती है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेला लगता है। स्वतंत्रता संग्राम से भी बागेश्वर का बड़ा योगदान है। कुली बेगार प्रथा, यानी आम आदमी से कुली की तरह काम करवाना, के रजिस्टरों को सरयू की धारा में बहाकर यहाँ के लोगों ने अपना सहयोग गांधी जी के आंदोलन में दिया था, जिसकी शुरुआत सन 1920 ईस्वी में हुई। सरयू एवं गोमती नदी के संगम पर स्थित बागेश्वर मूलतः एक ठेठ पहाड़ी कस्बा है। यह 87 गांवों का समेकन केंद्र होने के कारण यह प्रशासनिक केंद्र बन गया। मकर संक्रांति के दौरान लगभग महीने भर चलने वाले उत्तरायणी मेले की व्यापारिक गतिविधियों, स्थानीय लकड़ी के उत्पाद, चट्टाइयां एवं शौका तथा भोटिया व्यापारियों द्वारा तिब्बती ऊन, सुहागा, खाल तथा अन्यान्य उत्पादों के विनिमय ने इसको एक बड़ी मंडी के रूप में प्रतिष्ठापित किया। 1950 से 60 के दशक तक लाल इमली तथा धारीवाल जैसी प्रतिष्ठित वस्त्र कंपनियों द्वारा बागेश्वर मंडी से कच्चा ऊन क्रय किया जाता था। बागेश्वर शहर में कई शास्त्रीय नृत्य रूपों और लोक कलाओं का अभ्यास किया जाता है। कुछ प्रसिद्ध नृत्यों में हुरका बाल, झोरा चांचरी, झुमला और छोलिया शामिल है। यहाँ संगीत कुमाऊनी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। लोकप्रिय प्रकार के लोक गीतों में मंगल, बसंती, खुदेड़ और छोटा शामिल है। इन लोक गीतों के साथ इन संगीत उपकरणों जैसे ढोल, दमाऊ, तुरी, रणसिंघा, ढोलकी, दौर, थाली, भंकरा और मशक बाजा शामिल है। संगीत का उपयोग एक माध्यम के रूप में भी किया जाता है, जिसके द्वारा देवताओं का आह्वान किया जाता है। जागर आत्मा पूजा का एक रूप है, जिसमें गायक या जगरिया महाभारत और रामायण जैसे महान महाकाव्यों के लिए देवताओं के एक गीत गाते हैं, जिसमें देवताओं के आह्वान के कारनामों और अन्य कारनामों का वर्णन है। बागेश्वर में 1948 से नवरात्रि के शरद उत्सव के दौरान प्रतिवर्ष रामलीला का मंचन किया जाता रहा है। बागेश्वर एक समय में कुमाऊं की प्रमुख सुहागा मंडी हुआ करती थी। तिब्बत के ज्ञानमा और गढ़तोक से होते हुए भोटिया व्यापारी बागेश्वर आकर अल्मोड़ा के बनियों से सुहागे का क्रय विक्रय करते थे। जनवरी माह में लगने वाले उत्तरायणी मेले में उत्तर से चट्टाइयां, तिब्बती ऊन, सुहागा तथा खाल, दक्षिण से बर्तन तथा कपड़े तथा स्थानीय क्षेत्रों के संतरे तथा अनाज का व्यापार होता था। बागेश्वर मंदिर शिवजी को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। अल्मोड़ा के राजा लक्ष्मीचंद ने 1850 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। सूर्यकुंड तथा अग्निकुंड। बागेश्वर नगर के उत्तर में सूर्यकुंड जबकि दक्षिण में अग्निकुंड स्थित है।
ये दोनों सरयू नदी के विसर्प से जनित प्राकृतिक कुंड हैं। चंडिका मंदिर। चंडिका मंदिर नगर केंद्र से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। नवरात्र के समय यहाँ काफी चहल पहल रहती है। गौरी उडियार। गौरी उडियार 20x95 वर्ग मीटर में फैली एक गुफा है, जिसमें भगवान शिव का प्राचीन मंदिर स्थित है। यह नगर केंद्र से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो पंतनगर हवाई अड्डा सबसे पास है। वहीं अगर आप ट्रेन के जरिए आना चाहते हैं तो काठगोदाम सबसे नजदीक पड़ेगा। इसके अलावा उत्तराखंड की साधारण बसें भी आपको यहां पर पहुंचा देंगी। नैनीताल, अल्मोड़ा जैसे बड़े शहरों से बसें और कैब यहां के लिए चलती हैं।